हेलो एवरीवन, आई एम अर्षा मोदी सिंघानिया फ्रॉम द अरीन आर्टिस्ट्री इंदौर. सो फ्रेंड्स, वेलकम टू आर न्यू वीडियो लॉग. एंड इन दिस वीडियो आई एम गोना शेयर विद यू दिस विंटेज हैंगिंग व्हिच यू कैन यूज फॉर हैंगिंग की चेन्स और स्कार्फ्स और ज्वेलरी और एनी सॉर्ट ऑफ थिंग्स. सो बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो, For all those who are new here, let me tell you that our brand Areen deals with the manufacturing of premium range of craft supplies. So if you are an artist or a crafter and you are looking out for good quality of craft supplies, then we are one for you. You can connect with us. Our Instagram and Facebook links are available in the description, so you can connect with us there. And for making this beautiful art piece, I'm gonna provide you DIY kit as well along with the tutorial video. So before starting the tutorial video, let me show you the DIY kit that we are providing. So this DIY kit is available in two forms. You can book it with stencil or without stencil. I'm gonna tell you the price and details of both the options. So the first thing that is required is the base. Along with that, we are gonna give you the chalk paints that we have used. We have used midi blue color and terracotta brown here. Along with that, we are gonna give you a mini jar of texture paste, the knobs, this motif that we have used, and a flat brush. So this DIY kit is priced for 400 rupees only. You will get all the material, you will get a back hook also along with the base. So all this is priced for 400 rupees only. And if you want to book stencil that we have used in this article, so this stencil is, the MRP is 325 rupees. If you want to book it along with the stencil, the price of the DIY kit will be 600 rupees only. So this is the DIY kit. Before starting the video, I would like to request you all to please like, share and subscribe our channel. And let's start with the tutorial and create this vintage wall hanging. So friends, सबसे पहले मैं लूंगी हमारा बेस. यहाँ पे ये सारी लेयर्स मैं अलग करूंगी. ये है हमारा मेन बेस जिसपे हम सबसे पहले वर्किंग करेंगे. इस पे मैं सबसे पहले स्टेंसिल करूंगी. ये एक 10 इंचेस बाय 10 इंचेस का डमास्क स्टेंसिल है जो आपको डीआईवाई किट में प्रोवाइड होगा. तो शुरू करते हैं स्टेंसिल करना. स्टेंसिल करने के लिए मैं यहाँ पे हमारा टेक्सचर पेस्ट यूज करूंगी. टेक्सचर पेस्ट का एक मिनी जार आपको डीआईवाई किट में प्रोवाइड किया गया है. तो स्टेंसिल करने के लिए सबसे पहले हम लेंगे हमारी स्टेंसिल. जिस भी तरह से आप डिजाइन डालना चाहते हैं उस तरह से आप अपने बेस पे स्टेंसिल को सेट करिए. फिर एक पैलेट नाइफ की हेल्प से आपको पैलेट नाइफ के पीछे वाले साइड पे टेक्सचर पेस्ट लेना है. इस साइड पे हम टेक्सचर पेस्ट नहीं लेते हैं, बैक साइड पे आपको टेक्सचर पेस्ट लेना है. इस तरह से हम टेक्सचर पेस्ट लेते हैं, बिल्कुल वैसे जैसे ब्रेड पे बटर लगाया जाता है, इस तरह से.
ये देखिए, तो आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, स्टेंसिल करने के बाद कितना प्यारा बैकग्राउंड हम यहाँ पे क्रिएट कर पाए हैं अलोंग विद विद द हेल्प ऑफ आवर स्टेंसिल एंड द टेक्सचर पेस्ट। तरह से टेक्सचर को लेके बैक साइड पे पैलेट नाइफ के और पैलेट नाइफ को स्टेंसिल के ऊपर प्रेस करते हुए हम स्प्रेड करेंगे हमारा टेक्सचर पेस्ट। आप इसे नेचुरली भी ड्राई होने दे सकते हैं, अदरवाइज आप इसे ड्राई करने के लिए ड्रायर भी यूज़ कर सकते हैं। फ्रेंड्स, हमारा टेक्सचर पेस्ट ड्राई हो गया है और आप देख सकते हैं बहुत ही क्रिस्प डिज़ाइन हमें यहाँ पे मिली है पोस्ट स्टेंसिलिंग। अब हम इसमें यूज़ करेंगे हमारा मिडी ब्लू कलर। मिडी ब्लू कलर का एक मिनी जार आपको हमने DIY किट में प्रोवाइड किया है, तो सबसे पहले हम इस पर करेंगे मिडी ब्लू कलर। आपको ये पूरे बेस पे कलर करना है, जो हमारा टेक्सचर पेस्ट वाला पार्ट है उसे भी हम इसमें कवर करेंगे। मेक श्योर कोई भी वाइट पोर्शन इसमें विजिबल ना हो, पूरा बैकग्राउंड भी आपको कवर करना है। इस तरह से मैं पूरा बेस कलर कर लूँगी। फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने कर लिया मिडी ब्लू कलर और आप देख सकते हैं कलर ड्राई हो गया है। ड्राई होने के बाद वी हैव गॉट अ वेरी गुड कवरेज एंड अ वेरी सुपर स्मूथ फिनिश। नाउ वी आर गोना यूज अ टेराकोटा ब्राउन कलर। अगेन, इसका एक मिनी जार हमने आपको DIY किट में प्रोवाइड किया है। इसे यूज करने के लिए मैं यहाँ पे एक रोलर ब्रश यूज करूंगी। फ्रेंड्स, मैंने थोड़ा सा कलर रोलर ब्रश पे लिया है और इसे मैं पूरा एक न्यूज़पेपर पे या एक रफ क्लॉथ पे, एक रफ पेपर पे आप इसको पूरा वाइप ऑफ करना है आपको। और बहुत ही थोड़ा सा कलर हमें यहाँ लेना है स्पंज में, बहुत कलर नहीं होना चाहिए। अब हल्के हाथ से मैं इसे सिर्फ जो मोटिव्स हमारे आए हैं उन्हें मैं हाईलाइट करूँगी। हल्के हाथ से आपको रोलर को मोटिफ के ऊपर रोल करना है। इस तरह से सारे मोटिफ्स मैं ब्राउन कलर से हाईलाइट करूंगी। ये करने से हमें एक बहुत ही प्यारा विंटेज लुक यहाँ पे मिलेगा। हाईलाइट करने के बाद एक बार फिर थोड़ा सा कलर लेके एक्स्ट्रा कलर वाइप ऑफ करके और बिल्कुल हल्के हाथ से मैं पूरे बेस पे एक बार रोलर को मूव करूंगी। कहीं कहीं पे हमें रैंडमली ब्राउन कलर का इफेक्ट मिल जाएगा। देखिए तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारा बेस रेडी हो गया है और बहुत ही प्यारा विंटेज लुक हमने यहाँ पे क्रिएट करा है। अब इस मोटिफ को हम एज इट इज, इसके ऊपर हम कोई वर्क नहीं करेंगे, एज इट इज हम इससे स्टिक करेंगे। प्लस ये नॉब्स भी विदाउट
एनी कवरेज विदाउट एनी कलर, हम इनको रॉ ही स्टिक करेंगे। आप देख सकते हैं बहुत ही प्यारा सा यहाँ पे हमने एक हैंगिंग बेस रेडी करा है। ये यूज़ कर सकते हैं आप टू हैंग की चेन्स, टू हैंग योर स्कार्फ्स और योर स्टोल्स और एनी सॉर्ट ऑफ थिंग्स। यू कैन हैंग योर बैग्स, एनी थिंग, यू कैन हैंग योर ज्वेलरी। देर आर लॉट ऑफ ऑप्शन फॉर विच यू कैन यूज़ दिस ब्यूटिफुल फ्रेम। एंड आई होप यू लाइक द वीडियो। लेट मी जस्ट स्टिक इट ऑल्सो इन फ्रंट ऑफ यू। फ्रेंड्स आप देख सकते हैं मैं कैसे यहाँ पे ग्लू अप्लाई कर रही हूँ। और ये जो बेस मैंने यहाँ पे क्रिएट करा है, ये बेस आप किसी भी तरह से किसी भी वर्क में यूज़ कर सकते हैं। आप इस पैटर्न से कोई फोटो फ्रेम, नेम प्लेट, की होल्डर, एनी काइंड ऑफ विंटेज फ्रेम, मिक्स मीडिया फ्रेम्स, इस तरह से बहुत सारी चीज़ें हैं जिनमें आप यूज़ कर सकते हो। ट्रेज बना सकते हैं आप, पोस्टर बना सकते हैं, बहुत सारे आइडियाज़ में आप इसे यूज़ कर सकते हैं। तो बेसिकली ये ट्यूटोरियल जो हमने किया है वो हमने एक बैकग्राउंड कैसे क्रिएट करना है उस पर्पज़ से ये ट्यूटोरियल हमने क्रिएट करा है। ग्लू लगाने के बाद सेंटर पोजिशन देख कर और मैं ये मोटिफ स्टिक करूँगी। आप चाहें तो इसे कलर भी कर सकते हैं, क्योंकि मुझे ये रॉ और विंटेज ज़्यादा अच्छा लग रहा है, आई एम कीपिंग इट दिस वे। और आप चाहें तो आप इसे कलर भी कर सकते हैं। ये नॉब स्टिक करने के लिए आप ग्लूगन भी यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा आप फेवी बॉन्ड यूज़ कर सकते हैं, फेवी क्विक यूज़ कर सकते हैं। आप चाहें तो इसे स्क्रू से टाइट, अगर आप इसको स्टिक करना चाहते हैं, यू वांट कि आप कुछ हैवी इस पे हैंग करना चाहते हैं, तो आप एक स्क्रू की हेल्प से इसको नेल भी कर सकते हैं। तो जिस तरह से भी आप इसे यूज़ करना चाहें इस हैंगिंग को, उसके अकॉर्डिंग आप ये नॉब्स इस पे बेस पे स्टिक कर सकते हैं, फिक्स कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स हमारा एक क्विक और इजी ट्यूटोरियल विद अ वेरी ब्यूटीफुल बैकग्राउंड इज रेडी। आई होप आप सभी को ये वीडियो पसंद आया हो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। और आप हमें इंस्टाग्राम और फेसबुक पे फॉलो कर सकते हैं, आपको लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। मैं बहुत जल्दी आपके सामने आऊँगी कुछ नया लेकर, कोई नए क्रिएशंस लेके। टिल देन बाय एंड टेक गुड केयर ऑफ़ योर सेल्फ। थैंक यू सो मच फॉर बींग विद अस।